नमस्कार, नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, दिन रविवार है, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 20 दिसंबर है, जो कि वर्ष का 354वां दिन होता है और साल में अभी 11 दिन बाकी हैं। 20 दिसंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो देश और दुनिया में 20 दिसंबर को कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन भारत के परिदृश्य में युवाओं के लिए ये दिन बेहद खास रहा। वर्ष 1988 में संसद ने संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को आज ही के दिन मंजूरी दी थी। इसके साथ ही इतिहास में आज जापान ने कोलकाता पर आधी रात को बम गिराए थे, दुनिया के सबसे बड़े पुल में से एक को निशाना बनाया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का गठबंधन जापान, जर्मनी जैसे देशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन भारत की जमीन का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपने सहयोगियों को मदद पहुंचाने के लिए कर रहे थे। इसका नतीजा ये रहा कि आज ही के दिन 1942 में जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता में बम गिराए थे और आधी रात को की गई बमबारी की वजह से शहर की कई इमारतें तबाह हो गई थी। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता दुनिया को दिखाने का यही सही समय है। उन्होंने उद्योगों और व्यवसाय जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश अपने ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। वायुसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वायुसेना में शामिल होने वाले नए अधिकारियों से उन्होंने कहा कि वे युद्ध की बदलती हुई रणनीतियों और चुनौतियों को लेकर सजग रहें तथा नई तकनीकी के प्रयोग में अपने को सक्षम बनाएं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अगले साल जनवरी में गोवा में प्रदर्शित की जाने वाली 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन की घोषणा की है। दिल्ली के सिंध बॉर्डर पर एक पुस्तकालय सह सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी यहाँ आकर किताब पढ़ सकता है। और केंद्र सरकार महीने भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू करने वाली है। कौशल विकास मंत्री महेंद्र पांडे ने यह जानकारी दी। उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि इस बार योजना में जिला स्तरीय कौशल समितियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने स्थानीय जरूरतों के मुताबिक कौशल पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने की ज़रूरत बताया। आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।